और वहीं सीधी से एक खबर सामने आई है, कलीवी देवर की करतूत, जमीन की लालच में अपनी ही भाभी की आग लगाकर हत्या कर दी। सीधी जिले के लहरुटी गांव से देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने की वारदात सामने आई है, जहां अखिलेश सिंह के नाम के युवक ने अपने भाई की मौत के बाद अपनी ही भाभी को घर से निकालने की कोशिश की और जब उसने मना किया तो अखिलेश ने अपनी भाभी नीतू सिंह के ऊपर आग लगा दी। माँ की चीख पुकार सुनकर 6 वर्षीय बेटी ने शोर मचाया पर वह उसे बचा ना पाई। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नीतू की मौत हो गई। 6 वर्षीय मासूम जिसने अपने ही आंखों के सामने अपनी मां को झुलसते देखा, उसका कहना है कि उसके ही चाचा ने उसकी मां को मार डाला। आप भी सुनिए मासूम की बातें जिन्हें सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। लड़ाई झगड़ा करते थे रोज आके जमीन झगड़ा के बारे में। तो उसके पहले दिन एक दिन आए तो दरवाजा खटखटा रहे थे तो मम्मी जगह खोले तो जैसे मम्मी खोलू वैसे ही मिट्टी का तेल डाल लिए थे। उसके बाद जब मम्मी दौड़ के चली गई लेटरिंग में उसके बाद वही माचिस दूर से फेंक दिए थे। तुम वहीं पे घर में थी बेटा? हाँ, सब कोई आए थे वहाँ, हम बोल रहे थे आग लगी। उसके बाद सब कोई 3-4 बाल्टी पानी डाले हम और हमारे ड्राइवर अंकल। उसके बाद सीधे साड़ी लपेट के ले गए हॉस्पिटल, 3-4 लोग को बैठा लिए थे। पहले भी कभी मारपीट की है तुम्हारी मम्मी के साथ? नहीं, बाकी सब लड़ाई झगड़ा करते थे। देखा आपने, जहां एक ओर समाज में नारी के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वहीं अपना हक ना छोड़ने पर कैसे एक देवर ने अपनी ही भाभी को जान ले ली केवल जमीन के चंद टुकड़ों के लिए। उसके दिल में एक बार भी उस 6 वर्षीय मासूम का ख्याल ना आया। आग से जलने से कब की घटना है? कल की। कोई विवाद हुआ था क्या? हाँ, उनके देवर के साथ विवाद हुआ।